नमस्कार, मेरा नाम रश्मि त्यागी है। मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ फेबिना ग्रुप का, जिन्होंने इतना अच्छा कंपटीशन कराया है जो कि होम सेल्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और वो कुछ कर सकते हैं और अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने ला सकते हैं। मैंने खुद इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ राजस्थानी नमकीन का, जो कि करोड़ों लोगों की पसंद है और मैं खुद इसे पसंद करती हूँ। और थैंक यू राजस्थानी नमकीन मेरे घर पे इतना अच्छा गिफ्ट हैम्पर भेजने के लिए, थैंक यू सो मच। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ नो ओवन एगलेस मैजिक रेनबो केक। तो चलिए अब हम चलते हैं और देखते हैं कि हम रेसिपी बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। हमें चाहिए 150 ग्राम मैदा, 100 ग्राम चीनी, 80 ml ऑयल, हमें चाहिए व्हिप्ड क्रीम, 1 लीटर मिल्क, हमें चाहिए विनेगर, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस एंड हमें चाहिए फूड कलर्स। आप ये लिक्विड फूड कलर्स है, आप चाहे तो मैं दिखा देती हूँ, आप चाहे तो ड्राई भी ले सकते हैं, बट केक के लिए लिक्विड और जेल फूड कलर ही बेस्ट होते हैं। हमने यहाँ पे एक पैन लिया है और अब हम गैस को ऑन करते हैं और इसमें हम डाल देते हैं अपना 1 लीटर मिल्क। अब हम इस मिल्क को बॉयल होने देंगे और जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा तो हम इसको सिम कर देंगे और लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि ये एक 1 लीटर का 700 ml ना रह जाए। अब हमारे इस मिल्क में बॉयल आ गया है, अब हम इसको आँच को सिम कर देंगे और इसको बॉयल होने देंगे और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे जब तक कि ये थोड़ा कम ना हो जाए। अभी हमारा मिल्क रेडी हो चुका है, ये यहाँ तक था और ये इतना हो गया है, तो अब हम इसे फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, उसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो चलिए अब हमने एक कढ़ाई ली है और इसमें हम डाल लेते हैं नमक और फ्लेम को ऑन कर देते हैं और उसे गर्म होने देते हैं। रखेंगे और इसको कवर कर देंगे प्लेट से और अब हम इसे गर्म होने देंगे। तो अब हम एक बाउल लेंगे, इस पर हम एक स्ट्रेनर रखेंगे और सबसे पहले हम इसमें मैदा को ऐड करेंगे। मैदा के साथ ही हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा और हम डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर। अब हम इसे स्टेन कर लेंगे। अब ये पूरा स्टेन हो गया है और हम इसे मिक्स करेंगे और हम इसे अब एक साइड में रख देंगे। तब तक हमारे जो वेट इंग्रेडिएंट है हम उनको मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऐड करेंगे ये ऑयल, जितना ये ऑयल है उतना ही हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा मिल्क और ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अब ये एकदम क्रीमी फॉर्म में आ चुका है और अब हम इसे ड्राई इंग्रेडिएंट के साथ में मिक्स कर देते हैं, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे।
देखिए इसकी कंसिस्टेंसी अब एकदम स्मूथ हो गई है। और ये देखिए अब हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर और एसेंस। इसमें हम डालेंगे 2 ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस और इसमें हम ऐड करेंगे येलो फूड कलर, क्योंकि हम यहाँ पर रेनबो केक बना रहे हैं तो इसमें हमें अलग अलग कलर्स को यूज़ करना है। तो सबसे पहले जो हम बना रहे हैं, हमारा जो स्पॉन्ज बनेगा ये येलो कलर में हम बना रहे हैं। इसी तरह से इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमें और भी अपने स्पॉन्ज तैयार करने हैं। अभी हम इसमें थोड़ा सा कलर और ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे एक राउंड केक मोल्ड लिया है और अब हम इसे ऑयल के साथ में ग्रीस करेंगे। इसे हमें हर तरफ से अच्छे से ग्रीस करना है। आप चाहे तो इसमें बटर पेपर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसमें थोड़ी सी, अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसमें मैदा भी थोड़ा सा डस्ट कर सकते हैं और उसे इस तरह से तो ये अब हमारा चारों तरफ से अच्छे से डस्ट हो गया है। और अब हम जो ये एक्स्ट्रा मैदा है इसको हम निकाल देते हैं अलग से बाउल में। अब हमें इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है। अब हमें इसमें ऐड करना है विनेगर। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून विनेगर। और विनेगर डालते ही हमें इसे जो है केक मोल्ड में शिफ्ट करना है। ये हमने इसमें ऐड कर दिया है विनेगर और अब हम इसे, विनेगर डालने से बेकिंग सोडा का प्रोसेस शुरू हो जाता है तो इसे हमें रखना नहीं है और जल्दी से इसे करके और फटाफट इसे हमारे केक मोल्ड में ट्रांसफ़र करना है। हम इसे टैप करेंगे जिससे कि इसमें कोई एयर बबल्स ना रहे हैं। और अब हम इसे चलिए अपनी कढ़ाई में डाल देते हैं। प्रीहीट हो चुकी है और अब हम इसमें अपना केक मोल्ड को डाल देते हैं और इसको हम कवर कर देते हैं। इसे बेक होने में लगेगा 35 to 40 minutes। तो चलिए अब हम अपने केक को चेक कर लेते हैं। देखिए ये कितने अच्छे से बेक हो गया है। और अब हम इसे टूथपिक से चेक कर लेते हैं और देखिए एकदम परफेक्टली बेक हुआ है। तो अब हम इस फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। चलिए अब हम इसे अनमोल्ड कर लेते हैं। पहले हम इसे किनारों से चाकू से थोड़ा सा निकाल लेंगे और अब हम इसे एक वायर रैक पर चलिए अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम अपना दूसरे कलर का स्पॉन्ज को रेडी कर लेते हैं। तो चलिए अब हमारा ये स्पॉन्ज ठंडा हो चुका है और हमने इसी तरह से अपने बाकी के स्पॉन्ज भी बना लिए हैं अलग अलग कलर्स के। तो अब हम इसको कटिंग करते हैं और इसका जो ये हार्ड वाला पोर्शन है इसको हम कट करके निकाल देते हैं। देखिए अब हमने ये कट कर लिया है और इसका ये काफ़ी सॉफ्ट है और इसका स्पॉन्ज काफ़ी अच्छा बना है। तो चलिए अब हम इसे बाकी के भी कट कर लेते हैं और फिर हम व्हिप्ड क्रीम से इसे गार्निश करेंगे। ये हमारे स्पॉन्ज हैं जो हमने अलग अलग कलर में बेक किए हैं। तो चलिए अब हम इनको भी कट कर लेते हैं। तो चलिए अब हमने अपने स्पॉन्ज की कटिंग कर ली है और अब हम क्रीम को बीट कर लेते हैं। तो यहाँ हमने लिया है 2 कप क्रीम।
पहले हम 2 कप ही लेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में और बीट कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा आइसिंग शुगर। तो देखिए अब हमारी ये क्रीम व्हिप्ड हो गई है और इसमें ये सॉफ्ट पीक्स निकल आए हैं। तो अब हमें ऐसी ही क्रीम चाहिए, तो चलिए अब हम इसे अपने पाइपिंग बैग में डाल लेते हैं। तो चलिए अब हमने इसमें पाइपिंग बैग में क्रीम को फिल कर लिया है और अब हम अपना केक बनाना शुरू करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे एक स्पंज को रख लिया है और अब हम स्प्रे करते हैं, इस पर शुगर वाटर से इसको अच्छे से हमें स्प्रे करना है, इसे अच्छे से स्प्रे करना है जिससे कि ड्राई बिल्कुल भी ना रहे। अभी हमारा काफ़ी अच्छे से वो हो गया है, तो अब हम इस पर अपनी क्रीम को लगा लेते हैं। अभी हमने इस पर क्रीम को अच्छे से लगा दिया है और अब हम इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। इसी तरह से हमें क्रीम लगानी है और फिर एक लेयर स्पॉन्ज की रखनी है। हम इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। यह अब क्रीम अच्छे से स्प्रेड हो गई है। तो मैंने इस रेसिपी में बताया था कि हम यह बनाने जा रहे हैं मैजिक रेनबो केक। तो मैजिक के लिए हमने ये थोड़े से पॉपअप्स हैं जो कि बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, तो इसमें हम ये डालेंगे और ये खाने में मुंह में बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट लगता है। फिर हम इस पर शुगर सिरप को स्प्रे करेंगे। इसी प्रोसेस से हम सारे जो हैं हमारे स्पॉन्ज को लगाते जाएंगे और पूरे केक को इसी तरह से क्रीम और शुगर से और ये पॉपअप्स डाल के कवर कर लेंगे। तो चलिए अब हम अपनी लास्ट लेयर लगा रहे हैं। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमने अपनी सारी लेयर्स को लगा लिया है और अब हम इस पर अपनी लास्ट लेयर को लगा लेते हैं। हम इस पर थोड़े से पॉपअप्स डाल रहे हैं और ये हमारा लास्ट स्पॉन्ज है। इस पर हम तो अब जो इसमें थोड़े बहुत गैप्स बचे हैं तो अब हम इसको फिल कर लेते हैं जिससे कि ये इक्वल हो जाए और फिर हम इसे स्प्रेड करके एक साथ इक्वल कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसे साइड से इक्वल कर लेते हैं और फिर अब इसे हम सेट होने के लिए थोड़ा 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और उसके बाद हम इस पर अपनी सेकंड लेयर ऑफ क्रीम की लगाएंगे। तो चलिए अब हमने इसे फ्रिज से निकाल लिया है और अब हम इस पर अपनी क्रीम की दूसरी लेयर को लगा लेते हैं। थोड़ा मोटा लगाना होगा ताकि जो जब हम इसे स्क्रैप करेंगे तो ये अच्छे से स्क्रैप हो पाए। अब हमने इसे अच्छे से चारों तरफ से क्रीम से कवर कर लिया है, तो चलिए अब हम इसे स्क्रैपर से स्मूथ बना कर लेते हैं।
चलिए अब हम अपना रेनबो का डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए अब हमने अपना ये रेम्बो का डिज़ाइन बना लिया है और इसी तरह से हमें पूरे केक पर थोड़ी जगह छोड़कर ये डिज़ाइंस बनाने हैं। और देखिए अब हमने अपने पाइपिंग बैग में येलो क्रीम को डाल लिया है और यहाँ पर हमने एक स्मॉल वाला स्टार नोजल को लगा लिया है। तो अब हम इसमें डिज़ाइन करते हैं। पहले हम येलो कलर को यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए जिस प्रकार हमने ये येलो डिज़ाइन बनाए हैं उसी प्रकार से हमें पिंक, ब्लू, ग्रीन, अलग ऑरेंज कलर के डिज़ाइंस को भी बनाना है। तो अब हमारा ये डिज़ाइन पूरा हो चुका है और अब हम इस पर ऊपर से कुछ गोल्डन बॉल्स और रैंडमली सिल्वर बॉल्स को लगाएंगे। अब हम यहाँ पे अपना बॉर्डर बना लेते हैं। तो उसके लिए हमने स्टार नोजल में वाइट विप्ड क्रीम को फिल कर लिया है और अब हम इससे छोटे छोटे स्टार्स बनाएंगे। हमें इसको पूरा नहीं बनाना है, हाफ में हम स्टार्स बनाएंगे और हाफ में हम गोल्डन बॉल्स को लगाते जाएंगे। तो अब हमने इसी तरह से अपना ये बॉर्डर को कंप्लीट कर लिया है, हाफ गोल्डन बॉल और हाफ स्टार नोजल से हमने इस पर डिजाइन बना दिया है। तो चलिए अब हमने ये ऊपर की साइड में बॉर्डर को बनाना स्टार्ट कर दिया है। हमने यहाँ पर स्टार नोजल का यूज़ किया है। इस पूरे केक में बनाने के लिए हमने एक ही नोजल स्टार नोजल का ही यूज़ किया है और सेम साइज़ जो नोजल है उसी का हमने यूज़ किया है। देखिए हमारा ऊपर का बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें बाकी का डिज़ाइन बना लेते हैं। तो चलिए अब हम पहले ऑरेंज कलर से डिज़ाइन बना लेते हैं। तो चलिए अब हमारा ये केक रेडी हो चुका है और अब हम इसे ऊपर से थोड़ा सा सिल्वर बॉल्स और गोल्डन बॉल से गार्निश कर लेते हैं। यहाँ पर हम थोड़े से सिल्वर बॉल्स को ऐड करेंगे और अब हम यहाँ पर थोड़े से गोल्डन बॉल्स को रैंडमली स्प्रेड कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये कितना सुंदर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और ये मेरा केक कंप्लीट हो चुका है।
देखिए और बताइए। और अब मैं इसे फाइनल, मेरे पास एक ये लिया है मैंने, और इसको मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। देखिए अब ये कैसा लग रहा है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो और आप लोगों ने इसे पसंद किया हो तो प्लीज़ मुझे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और इसके साथ ही मैं लास्ट में फेविना ग्रुप को थैंक यू कहना चाहती हूँ, जिन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दी है कि यहाँ पर मैं अपनी रेसिपी को शेयर कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच फेविना। कट करके दिखा देते हैं, देखिए ये कितना सॉफ्ट है। अब हम देखिए, अब हमने ये कट कर लिया है और आप देख सकते हैं इसकी लेयर्स कितनी अच्छी बनी हैं।